2024 T20 वर्ल्ड कप का ऐलान हो गया है। आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया है और बताया गया है कि 2024 जो वर्ल्ड कप होने वाला है अगले साल जून में, वो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होगा। ये दो कंट्रीज मिला के वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइज करेंगी। तो ये दो टीमें मेज़बान टीमें हैं, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका। अमेरिका में तीन शहरों को सेलेक्ट किया गया है, डालास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क। बाकी सात शहरों को वेस्ट इंडीज़ को सेलेक्ट किया गया है, जो जिसमें बारबाडोस का भी नाम आता है। तो दोस्तों 2024 जून का महीना बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्रिकेट फैन के लिए, क्योंकि ने आईसीसी ने इसका ऐलान कर दिया है 2024 का। और वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लोग पागल हैं। बस अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज़ जो है पिछला वर्ल्ड कप जो अभी इंडिया में ख़त्म हुआ है, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया का एक बेताज बादशाह वेस्ट इंडीज़ था। एक दौर था जब वेस्ट इंडीज़ से कोई जीत नहीं पाता था मैच, जीतने के लिए कोई खेलता नहीं, वेस्ट इंडीज़ को हराना नामुमकिन था। जिस वक्त गार्डनर गिनीज, विवियन रिचर्ड, एम्ब्रोस, मेलकम मार्शल और ये बहुत सारे वेस्ट इंडीज़ के बॉलर थे जिनको मैं नाम बताना चाहूँगा, जैसे ये गार्डनर गिनीज थे, ये सब खतरनाक खिलाड़ी थे वेस्ट इंडीज़ के, उनको आउट करना बहुत मुश्किल था। एक दौर था वेस्ट इंडीज़ का, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की बादशाहियत ख़त्म हो गई और ये पिछले वर्ल्ड कप में वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। ये क्रिकेट हिस्ट्री का, वेस्ट इंडीज़ का बहुत बुरा दिन था, इससे बुरा दिन कभी शायद वेस्ट इंडीज़ नहीं देखेगा। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप का जो आगाज़ हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका मिलाकर, दोनों ये दो कंट्री मिलाकर यहाँ पे इसको होस्ट करेंगे। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, तो इन दो कंट्रीज़ को फ्री टिकट मिल गया, समझ लीजिए कि इनको क्वालिफाई नहीं करना, डायरेक्ट क्वालिफाई मिला इनको, तो उनको टिकट का पैसा देना नहीं पड़े, डायरेक्ट एंट्री मार चुके हैं, क्योंकि ये मेज़बान टीम है तो उनको फ्री एंट्री मिल गया है दोनों को। तो ये दो टीमें बिना क्वालिफाई किए डायरेक्ट पहुँच चुकी हैं T20 2024 के वर्ल्ड कप में। और मज़ेदार न्यूज़ ये है कि युगांडा इस टीम इस बार जो है अफ्रीकन रीजन से क्वालिफाई होकर आ गया। युगांडा ने रवांडा को एक क्वालिफाई मैच में हरा दिया और सीधा इसमें क्वालिफाई कर गया युगांडा। और एक न्यूज़ ये है अपडेट अफ्रीकन रीजन से कि जिम्बाब्वे इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया, इस क्वालिफाई राउंड से जिम्बाब्वे बाहर हो चुका है। बाकी 10 टीमें जो टॉप 10 की टीमें वो तो बरकरार है, जैसे इंडिया है किंग ऑफ किंग बादशाह, वो जो अभी तीनों फॉर्मेट में बादशाह इंडिया, बाप है क्रिकेट का, क्रिकेट की दुनिया का बाप इंडिया ही, इंडिया ही रहेगा, क्योंकि वनडे T20 और टेस्ट क्रिकेट का बादशाह इंडिया, ये दोनों तीनों फॉर्मेट का रैंक नंबर 1 है इंडिया, और इंडिया नंबर 1 ही रहेगा। ये तो किस्मत की बात थी कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल हमसे जीत गया, वरना कोई चांस ही नहीं था इसको जीतने का, क्योंकि असली हकदार तो इंडिया था और इंडिया 10 मैच लगातार जीतता हुआ आ रहा था। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये मैच हम लोग लेके आएंगे, वर्ल्ड कप हम लोग लाएंगे 2024 जून में जो होने वाला है वेस्ट इंडीज अमरीका में, इसको इंडिया ही जीतेगा। और हम यही दुआ करते हैं कि इंडिया ही जीते इसको वर्ल्ड कप, क्योंकि ये तो ऑस्ट्रेलिया ने तुक्का मार दिया, वर्ल्ड कप तो हमारा था, हमारा ही रहेगा, क्योंकि क्रिकेट का बाप बस इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें 20 टीमें ने क्वालिफाई किया है, जो हमारी स्क्रीन पे आपको दिख सकता है। तो आपने देखा कि जो 20 टीमें हैं जिसको आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और बताया है कि जो है ये जो 20 टीमें हैं उनका नेम कंट्रीज वाइज किस तरह से है, वो हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो मैंने आपको दिया। वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।